आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ मोहन राम। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत पूरे सूबे में वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर के निर्देश के आलोक में वन महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में कैमूर जिला स्थित रामपुर प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी कार्यालय द्वारा प्रखंड के सभी विद्यालयों को 10-10 पौधा लगाए जाने हेतु वितरण किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके संबंध में बीआरसी लेखापाल हिमांशु शेखर पांडे जी क्या कहते हैं। सर, जो ये पौधा वितरण किया जा रहा है, जी, किनके आदेश पर किया जा रहा है? सर, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर के आदेश पर किया जा रहा है और वन विभाग द्वारा जिला स्तरीय वन महोत्सव का जो होता है वो समारोह होता है, इस्तेमाल होता है। और ये है कि आपको राज्य सरकार द्वारा हर घर जो हरियाली का जो योजना जो बनाया गया उसके तहत में यह हर प्रत्येक विद्यालय को ये पौधे दिए जा रहे हैं कि जो अपने प्रांगण में लगाएंगे उसको। और यह जो माह होता है अगस्त माह का, उसमें अगस्त माह के ही उसमें हरियाली और ये हर घर हरियाली के तहत योजना के तहत इसको मनाया जाना है और प्रत्येक विद्यालय में इसको लगाया जा रहा है। कम से कम 10 पौधे एक विद्यालय लगाएंगे। सर, यहाँ कितना विद्यालय में वितरण किया गया? टोटल यहाँ 83 विद्यालय हैं, जिसमें सभी 56 विद्यालय ले गए हैं, बाकी शेष आ रहे हैं और ले जाएंगे। सर, आपका परिचय? मैं हिमांशु शेखर पांडे, लेखापाल हूँ मैं यहाँ का, बीआरसी अकाउंटेंट।